दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बेहद मजेदार गैजेट्स के बारे में, तो उम्मीद है आपको ये सीरीज काफी इंटरेस्टिंग लगेगी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वही आपको इसमें से कोई भी गैजेट पसंद आए तो फटाफट उसका नाम कमेंट कर दीजिएगा ताकि उस तरह के गैजेट्स मैं आपको और दिखाता रहूं। तो चलिए देखते हैं इस सीरीज के सबसे निचले पायदान पे कौन रहता है। नंबर 9, जूम शूज। दोस्तों बच्चों को स्केटिंग करने का बहुत ही ज्यादा शौक होता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं एक ऐसा इलेक्ट्रिकल स्केट जिस पे पैर रखते ही वो फौरन भागने लगे, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह के इलेक्ट्रिकल स्केट को। इसकी खास बात ये होती है कि इसमें इनबिल्ट होती है एक छोटी सी बैटरी, जिसको ऑपरेट करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इस पे पैर रखिए और राइडिंग का मजा लीजिए। दोस्तों इसकी टॉप स्पीड 8 माइल पर आवर की होती है और साथ ही इसका राइडिंग टाइम 1.5 घंटे का होता है। वहीं दोस्तों ये स्लोप में भी बहुत आराम से मूव कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं इलेक्ट्रिकल स्केट जिसे आप कहीं भी जाके शॉर्ट डिस्टेंस पे मजे ले पाए, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह के गैजेट्स को। नंबर 8, आई ब्रश। दोस्तों बात अगर नजर वाले चश्मे की हो या किसी भी चश्मे की, तो उनमें आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि उनका रख रखाव बहुत ही आराम से करना पड़ता है, नहीं तो बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो एक समय बाद टूट जाएंगे। लेकिन अगर बात की जाए नजर वाले चश्मे की, तो आपको इसमें ये चीज बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह के गैजेट्स को, जिससे कि इस्तेमाल करने के बाद आपको उसको किसी केस में नहीं बल्कि अपने हाथ में पहनना होता है, यानी कि ये चश्मा आपके लिए एक ब्रेसलेट की तरह काम करेगा। दोस्तों दिखने में तो एक नॉर्मल चश्मे की तरह होता है, लेकिन आप इसको बीच में से फोल्ड कर सकते हो, जिसके बाद ये आपके हाथों में आराम से फिट बैठ जाएगा। तो कमाल का रहता है ये गैजेट, तो अगर आपको पसंद आया तो इसे एक लाइक तो दे दीजिएगा। नंबर 7, स्विफ्ट पॉइंट GD। दोस्तों आपने माउस तो बहुत सारे इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए आपको एक सरफेस की जरूरत होती है और वो साइज में थोड़ा बड़ा भी होता है। तो अगर आप एक ऐसा डिवाइस चाहते हो जो कि साइज में छोटा हो और जिसे इस्तेमाल करने के लिए आपको कोई स्पेसिफाई सरफेस की जरूरत ना हो, यानी कि जहां आप चाहे वहां रख के इस्तेमाल कर सके, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह के छोटे से गैजेट को। दोस्तों ये एक ऐसा गेस्चर रिकॉग्नाइजर होता है जो कि आपके लिए एक माउस की तरह काम करता है। दोस्तों ये विंडो 10 के साथ साथ बहुत सारे डिवाइसेस को सपोर्ट करता है और ठीक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आप अपने माउस को करते हैं। और दोस्तों आपको इसमें छोटा सा पॉड मिल जाता है जिसकी मदद से आप इसे चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस बेहतरीन गैजेट के लिए आप एक लाइक तो दे ही दीजिएगा। नंबर 6, निब्यूडा। दोस्तों प्रोजेक्टर तो आपने काफी सारे देखे होंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं एक ऐसा साइज में छोटा प्रोजेक्टर जिसे कि आप अपने पॉकेट में डालकर कहीं भी ले जा सकें, तो आप सभी इस गैजेट को ट्राई करके देख सकते हैं। एक स्पीकर की तरह दिखने वाला ये प्रोडक्ट बनाया गया है किसी खास तरह के प्रोजेक्शन के लिए, जिसे कि आप अपने मोबाइल फोन के साथ पेयर करा के यूज कर सकते हो। और दोस्तों आपको इसका एक ऑफिशियल ऐप देखने को मिल जाता है जिसे कि आप इसे डायरेक्ट कर सकते हो, जिसमें आपको बहुत सारे सेटिंग के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों आपको इसमें कोई भी एक्सटर्नल स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको यहाँ पे इंटरनल स्पीकर इनबिल्ट मिल जाता है। और इसकी सबसे खास बात हो जाती है कि आप इसके स्क्रीन के रेशियो को अपने आप से एडजस्ट कर पाओगे, जो कि एक अपने आप में बहुत ही कमाल की बात रहती है। नंबर 5, लॉगिटेक मल्टी डिवाइस कीबोर्ड। दोस्तों अगर आप कोई वायरलेस कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी लिमिटेशन ये होती है कि आप उसको एक बार में एक ही डिवाइस के साथ कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल डिवाइसेस हो, जैसे कि आप अपने टैबलेट के साथ कनेक्ट करना चाहें या अपने मोबाइल फोन के साथ कनेक्ट करना चाहें, वो भी सेम टाइम में, तो ये शायद अभी मुश्किल हो। लेकिन अगर आप यूज करते हो लॉजिटेक कीबोर्ड को, तो ये मल्टीपल डिवाइसेस को ऐड करने का ऑप्शन रखता है। इसमें आप एक साथ 3 डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो, यानी कि ये तीनों के साथ एक साथ काम कर सकता है, यानी कि जिस भी डिवाइस में आपको उसको काम करवाना है, यानी कि अगर आप 1, 2, 3 क्लिक करते हो तो उसके हिसाब से ही अपना काम करता है। और दोस्तों इसकी बैटरी लाइफ भी 24 महीने की होती है, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। तो दोस्तों इस कीबोर्ड के लिए एक लाइक तो दे ही दीजिएगा। नंबर 4, ZenBook Flip S। दोस्तों अगर आप एक पावरफुल लैपटॉप चाहते हो अपने पर्सनल यूज के लिए, तो ये गैजेट आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे जो कि इसे काफी ज्यादा यूनिक बनाते हैं। और दोस्तों अगर बात की जाए इसके डिजाइन की, तो इसकी डिजाइन बहुत ही बेहतरीन और डुअल कलर में होती है, जिसकी वजह से ये दिखने में भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। साथ ही स्लिम होने की वजह से काफी ज्यादा लाइट वेट भी रहेगा, जिससे कि इसे कैरी करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। इसमें आपको OLED डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि 4K HDR को सपोर्ट करेगी, और साथ ही इसमें इनबिल्ट होता है इंटेल का कोर i7 प्रोसेसर, जो कि 11th जनरेशन का प्रोसेसर है, जिससे कि आपको इसमें कमाल की परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। वही इसमें आयरिस एक्स ग्राफिक्स इनबिल्ट रहती है, जो कि इसे और भी ज्यादा खास बनाती है। वही आपको इसमें स्क्रीन टिल्ट के फीचर से आपको यहाँ पे टैबलेट वाली फीलिंग मिलती है, साथ ही आप इसमें स्टाइलिश पेन को भी यूज कर सकते हैं। और इसकी खास बात ये हो जाती है कि आपको यहाँ पे पावरफुल बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 15 घंटों तक चलती है, जो कि गेमिंग के लिए भी बहुत ही ज्यादा कमाल की बात रहेगी। और अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी।
नंबर थर्ड, इजी वॉश 2.0। दोस्तों अगर आप कहीं बाहर रूम लेके रहते हो या कहीं जॉब करते हो तो आपको कपड़े धोने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, और कहीं ना कहीं आप सोचते होगे कि वॉशिंग मशीन ले ली जाए, लेकिन अकेले में इतनी बड़ी वॉशिंग मशीन लेने का कोई मतलब नहीं बनता। तो अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं इस तरह के गैजेट को, जो कि एक ऐसी वॉशिंग मशीन रहती है जिसको कि आपको अपने हाथों से ऑपरेट करना होता है। यानी कि कॉन्सेप्ट तो वही होता है कपड़े धुलने का, लेकिन आपको इसमें हाथों का इस्तेमाल करना होता है। प्लास्टिक का बना हुआ ये गैजेट एक मैनुअल वॉशिंग मशीन की तरह होता है, जहाँ पे आपको एक हैंडल दिया होता है, और इस हैंडल को अगर आप मिडिल पे लगाते हो तो कहीं ना कहीं इसे रोटेट करने से अंदर का ड्रम भी रोटेट होता है। इसमें कपड़े रख के आप आसानी से धो सकते हो, और साथ ही अगर आप इस हैंडल को साइड में लगा के रोटेट करते हो तो ये आपके लिए एक ड्रायर की तरह काम करता है, जिसमें आप कपड़े सुखाने के काम भी आसानी से कर पाएंगे। तो कमाल का रहेगा ये गैजेट, जो लोग वॉशिंग मशीन खरीद नहीं पाते वो लोग इस वीडियो को एक लाइक तो दे ही देंगे। नंबर फर्स्ट, फायर फाइल्स LED प्लेइंग कार्ड्स। दोस्तों प्लेइंग कार्ड्स का चलन इंडिया में काफी ज्यादा है, और आज भी लोग प्लेइंग कार्ड्स के साथ ट्रिक दिखाते हैं जो कि बहुत कूल होता है। लेकिन आप अगर इन चीजों को और भी ज्यादा रोमांटिक बनाना चाहते हैं तो इन कार्ड की मदद से कर सकते हैं, क्योंकि इन कार्ड्स की खास बात होती है कि इसमें LED लाइट्स लगे होते हैं, की वजह से काफी तेजी से चमकते हैं। इनसे आप अलग अलग तरीके के ट्रिक्स दिखा सकते हैं, साथ ही आप अलग अलग तरीके के खेल दिखा के लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं। तो कमाल के रहते हैं ये कार्ड, जो कि देखने में तो अच्छे लगते ही हैं और साथ ही साथ थोड़े से रोमांटिक भी रहेंगे। तो कैसे लगे हैं ये कार्ड आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो इसे फटाफट लाइक कर दीजिएगा। और साथ ही आप इस वीडियो में दिखाए गए कोई भी गैजेट को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। फिलहाल हमें तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।